आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने जो बताया है उसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं। मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको कि मैंने अपलोड किया था 1 मार्च को और वो वीडियो ऐसा था जो मैंने अपने स्टूडेंट को लिखवाया था क्लास में, तो मैंने सोचा वही आपको लिखवाऊँ। ये वीडियोस है मेरे, वीडियोस में देखिए, जब मैंने ये तो मैंने ऐसे एग्जाम के 2 दिन पहले डाला था, जो मेरे 1 मार्च को मैंने अपलोड किया था वो सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं कंप्लीट। ये वाला देखो, 1 मार्च को मैंने अपलोड किया था जो अपने स्टूडेंट को साथ में पीडीएफ, कुछ ने कहा था सर इतना बड़ा वीडियो नहीं देख सकते हम, पीडीएफ देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया था द्वंद्व योग अनुरूपेण संकलन से वर्ग आएगा और द्वंद्व योग से आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा था मेरे सूत्र परावर्तक द्वारा समीकरण हल करना, ये भी आया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने बताया था 3 नंबर में या तो आएगा 1.3 में से या आएगा 1.2 में से, अनुरूपेण द्वारा घन ज्ञात करना, घनफल कह दो घन कह दो ये ज्ञात करना। हाँ, मैंने चांस था कि 70% वो आए, घनमूल का आया नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें से आपके आया है क्वेश्चन घन का। देखो वैदिक मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे, 3 ही आए। अब आगे वाला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 लेते हैं हम, 3 ही मैंने बताया था कि वो वीडियो है। अब ये है चैप्टर नंबर 2, इसमें मैंने बताया था कि भाई एक तो आएगा मिसलेनियस में से, अब मिसलेनियस में आया भी एससीएफ ज्ञात करना, और वो एससीएफ भले संख्या चेंज है लेकिन है तो वही है। फिर है 2.2 में से, मैंने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 बताया था मैंने, तो सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये यहाँ दूसरे चैप्टर में से भी क्वेश्चन आया है अपरिमेय संख्या का, संख्या थोड़ा चेंज हो गई, छोटा आया, हाँ बिल्कुल आपकी इजी आया। अब लेते हैं हम ये चैप्टर नंबर 3 लेते हैं। अब यहाँ देखो चैप्टर नंबर 3 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने पहले चांस बताया था 70% वाला, लेकिन 70% में से नहीं आया, 30% में से ज्यादा है, मतलब जो मुझे कम लग रहे थे उसमें ज्यादा है, मतलब 19 नंबर क्वेश्चन है, आप चेक करना वो 1/(x-1) वाला, जो उसमें एक्स का मान 1 और 2 नहीं आना चाहिए, 3 और 3/4 आना चाहिए, मैंने बताया था। देखो विविध प्रश्न वाला में 17-24 बताया था, उसमें से क्वेश्चन आया है, तो तीसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। अब चौथा पार्ट लेते हैं, अब चौथे पार्ट में बताता हूँ आपको, मैंने बताया और आया भी। अब देखो ये रहा चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में मैंने बताया था विविध प्रश्नावली में से 8 से 11 और 11 क्वेश्चन आया है, बस उसमें जो पीछे वाला एक तो समीकरण तो चेंज आएंगे ही, समीकरण तो आपको देखने पड़ेंगे, और वो x+y बराबर वो स्क्वायर लगाकर a का मान ज्ञात करना था, सेम वही आया। फिर लेते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर, ये आ गया चैप्टर नंबर 5, इसमें से मैंने बताया था 5.3 में से आएगा एक क्वेश्चन, और इसमें से विविध मतलब वो सम ज्ञात करना आया था नंबर, आप चाहो तो 4th या 5th क्वेश्चन ऐसे, बस संख्या चेंज है, मैंने कहा था यहीं से आएगा 5.3 में से, वहीं से 3 में क्वेश्चन आया, और साथ में एक ये जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर 6 में मैंने आया था कि टेबल याद कर लो, छोटा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, छोटा क्वेश्चन जिसमें मान रखकर हल करना, मैंने ये क्वेश्चन तो ऐसे लिखे थे लेकिन मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन है वो टेबल के संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो वो आया भी। चैप्टर नंबर 7 से आए 7 नंबर क्वेश्चन, जो मैंने बताया एग्जाम्पल ही आए, ये जो एग्जाम्पल टिक करवाया ना 13 से 18, इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आया था, 18 नंबर क्वेश्चन जो आया था 1 नंबर का। अब 6 नंबर का जो है आप चाहो तो चेक कर लेते हो, 4, 6, 10, ये इनमें से एक 2 एग्जाम्पल आए थे, दोनों एग्जाम्पल आए थे, एक वो 2 क्वेश्चन वाला और एक साथ में लास्ट वाला एक क्वेश्चन था एक और एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल साथ में आए थे, तो मैंने जो जो टिक लगवाया ना 26वां क्वेश्चन भी आया था, तो ये वाला 7th चैप्टर में से सारे सारे है, 8th चैप्टर में मैंने ये टिक लगवाया था, ये वीडियो देख रहा हूँ पुराना वीडियो वाले, इसके अंदर देखो मैंने ये चैप्टर नंबर 8 है, इसके अंदर आप देख सकते हो चैप्टर 8 में मैंने करवाए थे 4 नंबर के, उसमें 1 नंबर क्वेश्चन आया छोटा, एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 आया था 6, और फिर आपके इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आप देख सकते हो, अब यहाँ पर ये 24वां या 28वां क्वेश्चन था जैसा आप देख सकते हो, मैंने जो करवाया था सेम वही क्वेश्चन आया है। चैप्टर नंबर 9 में से आपके एक्सरसाइज 9.1 में से आ गया था, वो 13 या 14 क्वेश्चन ऐसा था, या 11, 13, 14 आप चेक कर लेना, मैंने आइट वाला वो टिक करवाया था, 13 या 14 है वो आप चेक कर सकते हो, मिसलेनियस में से मैंने नहीं कर, लेकिन एक ही बात है वो मिसलेनियस में वही एक देर का है आयत याद करना, या फिर वो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें आया था 9 नंबर चैप्टर में से, चैप्टर 10 में से मैंने 2 टिक करवाए थे, पहला आया बिंदुपद याद करो, दूसरा आया नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि देखो
रूल्स था कि 10 to 14 तक तीन तीन नंबर के चार क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर ने यार 11 चैप्टर से आ गया था, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ दिए नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक नंबर का बताया था वो जरूर आया, बिंदु पद याद करना। फिर है चैप्टर नंबर 11। देखे चैप्टर नंबर 11 में मैंने यहाँ परमेय लिखवाए थे, परमेय एक ही नहीं आया, लेकिन इसमें मैंने मिसलेनियस में बताया था 1 to 14 छोटा क्वेश्चन आएगा और आया था, एक नंबर क्वेश्चन आया था इसमें से। फिर मैंने एक लिखवाया था कि ये 14.11.4, फिर मैंने यहाँ जो उदाहरण नंबर 10 लिखा ना उसके साथ मैंने एक और लिखा था इसके पास वाले कुछ एग्जाम्पल आएंगे, और नंबर 8 या 7 एग्जाम्पल आ गया था। मैंने ये लिखवा भी बोला भी था यहाँ पर 11.1 के आसपास से ही कुछ एक एग्जाम्पल आ सकता है, और वो आया, 3 नंबर का आया था। फिर मैंने यहाँ लिखा था चैप्टर 12, इसमें मैंने बताया था कि वो परमेय बताया था 12.8 12.10 परमेय, मतलब ये वो चतुर्भुज के, ये मैंने करवाया भी था और करवाया हुआ है मेरी इम्पोर्टेंट। फिर ये चैप्टर नंबर 12 में मैंने परमेय लिखवाया था और बताया था भी, लेकिन परमेय थोड़ा अलग सा आया, लेकिन फिर भी मैंने बताया था चतुर्भुज सामने सामने कौन योग से होता है, मैंने बताया था। चैप्टर 13 में तो वही परमेय नंबर 13.4 बताया था, वो आया था 13.4 परमेय जो आया वही मैंने बताया था। इतने चैप्टर तक अभी तक मेरे मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 में मैंने यहाँ लिखा है, देखो ऊपर लिखा हुआ है अंतर्गत वर्त का मैंने लिखाया था और आया भी। चैप्टर नंबर 15 में मैंने करवाया था अभी सूत्र याद करने जरूरी है, और सूत्र वाले ही सवाल आए थे। अब क्वेश्चन नंबर मैंने तो ध्यान दिया नहीं अभी कौन सा है कौन सा नहीं आया है, मैंने ध्यान दिया नहीं, वरना चैप्टर 14 में 16 में यही था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी, जिसको फॉर्मूले याद थे उसने आराम से कर लिया, बस यही थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने बताया था फॉर्मूला कंपलसरी। चैप्टर 17 मैंने बताया था मीन मोड मीडियन में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, और दो आए थे मीन मीडियन और मोड आया था। चैप्टर 18 में मैंने बताया था कि एक नंबर क्वेश्चन आया था, और एक वो जो 3 नंबर क्वेश्चन आया था वो इसमें से आया था, ये एक्सरसाइज 18 लिखा हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है वही आ गया सेम, ये 8 या 9 नंबर क्वेश्चन था मैंने लिखाया था, बस संख्या थोड़ी चेंज थी, वहाँ 117 था और यहाँ पर 115 था, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं। ये तो 150 किलोमीटर दूरी वाला मैंने लिखाया था ये आया था, और साथ में एक वो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया था, लास्ट बोर्ड में आया था ना वही क्वेश्चन दे दिया, बस पहले एक्स वाई लिखा हुआ था दूरी का, और अब ये उसने कुछ किलोमीटर रुपए डाल दिए। तो मैंने जो जो मैंने लिखवाया था सारे के सारे आए। अभी भी आपको कोई डाउट है कि सर आपने, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।